असलमान बैक टू दिसल वाउ एन आईटर इतने टाइम के बाद आई एम 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 अपन आईव दॉपिक एंड वी विल टॉक अबाउट समल्टरनेट करियर चॉइस के बेसिकलील्टरनेट करियर होता क्या है किस तरह आपकी जिंदगी पे आपके सराउंडिंग पे आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है उसके अलावा क्या क्या इसके नुकसान होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या इसके फायदे होते हैं एंडल्स फायदे बेसिकली ज्यादा हैं और नुकसान थोड़े कम है तो वी विल टॉक अबाउट बहुत ऑफ एंड सेकेंडली ये कि कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट करियर और कितना इंपॉर्टेंट so है कंसिडरिंग जो जैसे हम हालात देखें ऑलमोस्ट सबका ही इश्यूज़ हुए हैं बिकॉज ऑफ़ दी इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ़ दी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और यू नो इट इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट विध विनाट डे टू डे जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उतना ही डिफिकल्ट होना हो रहा है सर्वाइव करने बहुत सारे लोन के लिए तो आज हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने सर्वाइवल को किस तरह टोन डाउन कर सकते हैं किस तरह आप एक बेटर वे में लेकर चल सकते हैं किस तरह आप अपनी नाइन टू फाइव की जॉब से हट भी इनकम बना सकते हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट यू नो तो शुरू करते हैं अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है तो प्लीज इसको आफे तक देखें एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव इनफ इफॉर्मेशन अबाउट ऑल्टरनेट करियर चॉइसेस देन यू कैन स्किप इट राइट अवे बट बिफोर दैट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मुझे आपके सजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है एक सपोर्ट भी चाहिए रीजन ये आई जस्ट वांट टू ग्रो द नेटवर्क ओके और अगर आपको नहीं लगता तो आगे आपकी मर्जी है तो चलिए जी आउट फर्दर डू लेट्स विद इन दिस पॉडकास्ट तो सबसे तो मैंने बात करते हैं कि ऑल्टरनेट करियर बेसिकली होता है ऑल्टरनेट करियर को अगर मैं वैसे डिफाइन करूँ तो इट इज़ अ करियर जो कि आपकी प्राइमरी जो आपकी जॉब है उससे हट के एक ऐसा अपने लिए जॉब क्रिएट करना जो कि कॉन्फ्लिक्ट ना करी आपकी प्राइमरी जॉब से और आपके लिए एक यू नो एक जरिया बने अपनी इनकम बढ़ाने का और और दोनों ऑप्शन है आप इनकम बढ़ाने की भी बात कर सकते हैं स्किल डिवेल्प की भी बात कर सकते हैं कि आपकी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं एंड uh, इसकी इनफैक्ट बहुत सारे फायदे हैं मतलब अगर आप फ्री लांसिंग पे जाते हैं तो इनफैक्ट इन दुबई यू आर गेटिंग अ फ्री लांसर वीज़ा यू नो आप एक रेजिडेंशियल वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप इस तरह मतलब यू नो यू हैव जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उस तरह जो जॉब्स की नोयत है वो तब्दील होती जा रही है तो आपको अपने अंदर वो चेंज लाना टू ग्रो तो एंड टू एक्सपेंड योर होराइजन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि एग्जैक्टली वाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू उठे या ग्लोबली क्या चेंजेस आ रही है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ यू नो गेटिंग योर सेल्फ स्किल आपकी अपनी स्किल लेवल को अपग्रेड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करना so this, तो वैन यू विल अंडरस्टैंड दिस तो यू विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दल्टरनेट कर एज वेल ये तो होगी चीज इसकी डेफिनेशन अब बात करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्या क्या इसमें आपके फायदे हो सकते हैं पहले हम इस पर बात कर लेते हैं अच्छा बहुत सारे ये जो ऑल्टरनेट करियर बात है ना बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए भी है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है फॉर एग्ज़ाम्पल इवन चले मैं स्टूडेंट्स की भी बात कर रही थी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं आप मेडिकल पढ़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से यू आर यू नो मेडिकल स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं बट आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है ठीक है या आप कॉन्टेंट राइटिंग अच्छी करते हैं या आपके पास एक वेब डेवलपमेंट का स्किल है या फिर आप वो स्किल अवेल कर सकते हो तो ये अगर चीज़ें आपके पास हैं या, है, या फिर आपकी कमांड uh, अच्छी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे तो आप उसको एक समझो सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे डेवलप कर सकते हो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टूडेंट्स इसी तरह फ्रेशर्स का है कि भाई आजकल जैसे सैलरीज हैं अच्छा लोग डिबेट कर रहे होते हैं कि जी उतनी सैलरीज नहीं मिल रही होती जितना वो डिजर्व करते हैं हाउ एवर आई हैव सीन के बहुत अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही होती हैं तो लेकिन अगेन भी वाली बात है कि आपकी जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि महंगाई के साथ साथ जो है ना आपकी बाइंग पावर कम नहीं हुई है आपके एक्सपेंसिज बढ़ गए हैं आपका डोमेन बढ़ गया है कि वॉट यू आर लुकिंग फॉर ठीक है आपकी जो चॉइस हैं वो बढ़ गए हैं आप के अंदर चीज़ें हासिल करने की तलब बढ़ गई है तो आप वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो इफ़ यू डो नॉट वॉन्ट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है आप इन चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं आप इन ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर सकते हैं जो कि आपकी जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी जॉब से हट के भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और आप लेकिन शर्त यह कि वो आपकी प्राइमरी जॉब से कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहे हो फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं और साथ साथ आपने अगर अपनी एक कंपनी खोल ली तो बेसिकली ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो दिस इज़ सम एक यू you नो know, एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप एक कंपनी के साथ काम भी कर रहे हो साथ में आप वो कहते हैं ना कि अलग से भी एक आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आप कॉम्प्रोमाइज़ खुद भी हो रहे हो और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ऑल्टरनेट करियर है वो आपके करंट जो आपकी मेन जॉब है उससे कन्फ्ल्ट नहीं होना चाहिए अपनी एम्प्लॉयर को ज़रूर बताएं कि आपने एक ऑल्टरनेट करियर भी लिया है ताकि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम ना हो दिस इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है ठीक है उसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो देखें विद टाइम जो भी आपकी एज है Uh, अगर आप बाहर भी जाते हैं तो जो एजड जो नो एज लोग होते हैं वो सोशल सर्विसेज में चले जाते हैं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कहते हैं कि जी है अगर आप साठ साल के हो गए आप रिटायर हो गए तो बस अब आप घर बैठ के जो है ना अपने पोता पोती नवासा नवासी से खेलेंगे यही आपकी जिंदगी आई एम नॉट सेम कि इट इज़ रॉन्ग ठीक है वी वॉन्ट टू गिव द स्पेस कि इतनी एक आदमी ने इतनी या औरत ने इतने, और इतने, इतने साल मेहनत की लेकिन यू you नो know, एक काम करने वाले शख्स को अगर आप बाउंड करके घर यू नो होम बाउंड कर दो या फिर उसको आप उसके हाथ से उसकी काम करने की सलाह छीन दो तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक मेंटली वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है इन अ रॉन्ग वे तो अगर किसी में स्किल्स हैं कुछ सीखने के कुछ पढ़ने के कुछ करने के तो लेट देम डू दैट तो अगर आप आ, या फिर आप अपनी यू नो आप कहीं पे जॉब कर भी रहे हैं आपकी आ, आप एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे भी हैं तो भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं अपने को अपग्रेड कर सकते हैं आप आ, किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं तो उससे रिलेटेड आप अगर ट्रेनिंग्स की अगर दे सकते हैं तो आप ट्रेनिंग दीजिए वो आपकी ऑल्टरनेट करियर बन जाएगा मतलब जो आपने सीखा वो आप दूसरों को सिखा रहे हैं तो इट इज़ नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग योर जॉब एनी तो आप ये भी कर सकते हैं ठीक है तो ये वाली चीज़ें तो होंगी कि किस तरह इंपॉर्टेंट है या किस तरह हो सकता है और इनकम ऑफ कोर्स आपकी बढ़ेगी uh, एक आप अगर नौ से पाँच की जॉब में आप दो लाख तीन लाख रुपये कर ऑन करें साथ में आपने एक फ्री का कुछ कर लिया और अपना यू uh, नो you know, एक 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 साइड करियर अपने आपने ऑप्ट कर लिया तो उसके भी पैसा आपके पास आएंगे तो अल्टीमेटली आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी और यू विल सी द डिफरेंस हाउ आपको ये देखना जरूरी है कि वो कहीं आपकी हेल्थ एफेक्ट ना हो रही हो आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बेटर हो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो मतलब ये बेसिकली ये चॉइस आपकी पर्सनल चॉइसिस हैं कि किस तरह आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है और वन वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी यू नो कि पाकिस्तानी इसके लिए क्या क्या ऑप्शन हैं या क्या वो um, हासिल कर सकते हैं कौन कौन से डोमेन्स में वो जा सकते हैं तो उसमें सबसे मेन तो ये है कि जो वेब डेवलपमेंट है इट इज़ यहाँ पे अक्सर फ्री कोर्सेज भी हो रहे होते हैं डी जी स्किल्स भी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सिखा रहा होता है कॉन्टेंट राइटिंग है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट है कस्टमर सर्विस की बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स आती हैं वो देख सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट वर्क से इस तरह का जो डोमेन है वो भी बहुत अच्छा है डेटा एंट्री की बहुत सारी जॉब्स होती हैं ट्रांसक्रिप्शन की बहुत सारी जॉब होती हैं ट्रांसलेशन की बहुत सारी जॉब होती हैं आर्टिकल राइटिंग या फिर यू नो क्या कहना चाहिए ना बिजनेस प्रोजेक्ट्स बनाना पेरोल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं टीचिंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन Um, या फिर वैसे भी आप फिजिकली भी, भी, भी आप uh, बच्चों को जाके पढ़ा सकते हैं या फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं यार और आप बहुत अच्छे हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्थ ईयर में तो आप थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो इनफैक्ट आपकी जो जब आप कोई चीज़ ऑन रिपीट करते हैं ना तो वो आपकी वैसे भी जो मेमोरी है उसको भी बड़ा अच्छा करता है उस सब्जेक्ट पे उस टॉपिक पे आपकी ग्रिप भी स्ट्रॉग करता है तो दैट यू कैन डू कंसल्टेशन कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ को लेकर तो दे आर मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर और जो ख़्वीन है अगर वो अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को खाना अच्छा बनाना आता है एंड वो कहीं पे एच आर मैनेजर हैं लेकिन मतलब उसको खाना भी अच्छा बनाना आता है तो दे केन यू नो रजस्टर्ड दम सेल्स विद एनी फूड सर्विस फूड पांडा के साथ ही एसोसिएट हो जाए वीकेंड्स पर आप अपना एक यू नो रेस्टोरेंट खोल लें और वीकेंड तो वीकेंड टू तो वीकेंड आप अपनी लिए कर सकते हैं एक्टिविटी के आपने कुछ बनाया तो वो एक यू नो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी तो जहाँ इतने फ़ायदे हैं वहाँ पर थोड़े से फायदे ये भी हैं कि आप कहीं भी दुनिया में बैठे बैठें जॉब्स कर सकते हैं आपका आपका वर्चुअल ऑफिस आपका अपना लैपटॉप आपकी चीज़ें यह आपके पास होनी चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपका अर्निंग ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होता है बहुत सारे फायदे लेकिन उनके अलावा कुछ कॉन्स भी हैं कुछ नुकसान भी हैं फॉर एक्जाम्पल आपका फैमिली टाइम जो है वो कट डाउन हो सकता है आप uh, ये जो जॉब्स होती हैं ये कंसिस्टेंट नहीं होती मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीने आपने ये अमाउंट आपको मिलना ही है इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क यू आर गेटिंग यू नो कभी हो भी कभी हो भी, हो भी, हो भी रहा होगा कभी नहीं भी रहा हो रहा होगा तो यू हैव टू बी मेंटली प्रपेयर फॉर इट आपको uh, शायद इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़े अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए तो अपने लेकिन ये कि वो क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन यू कॉन्ट कॉल इट एज अ कॉन बट द थिंग इज़ दैट कि यू शुड भी प्रीपेयर फॉर इट उसके अलावा बनीफिट्स कम है जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल आप जो रूटीन जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ आप पे आपको मेडिकल मिलता है इंश्योरेंस मिलती है तो मे uh, बी ये वाले ऑफकोर्स आपके पास uh, ये ये बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन सबसे बड़ी बात जो बड़ी मजे की लगती है आप अपने ख़ुद के बॉस होंगे आपको खुद रिपोर्ट किसी को नहीं करना होगा सो uh, so, अपना बॉस अपने खुद का बॉस होना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड आई कैन फील इट इन इट हेयर बिकॉज नो बडी इज़ देर टू बॉस मी आरम तो आई इन्जॉय इन माई दी मेन डो मे बट ये कि हाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हो तो यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम यूम आपको लर्निंग कपैसिटीज़ आपकी से ही बढ़ती हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद को भी एक सिखा रहे हो बहुत सारी चीज़ें तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट वे टू यू नो इनक्रीज़ योर पोटेंशियल इंक्रीज़ योर कपैसिटीज़ इंक्रीज़ योर इनकम लेवल तो आई फील होना चाहिए मतलब इंस्टेड ऑफ करसिंग एंड इंस्टेड ऑफ क्रिविंग अबाउट योर यू नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लैक ऑफ यू नो लेस इनकम या नो जॉब्स यू शुड ऑप्ट फॉर दी अपॉरचुनिटीज विच यू कैन अवेन आप देख सकते हैं ढूंढ सकते हैं uh, कहीं पर भी दुनिया के कि किसी भी कोने पर हो, आपको मिल जाएंगी बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है इसके साथ ही मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करूँगी एंड uh, अगर ये मेरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें अगर नहीं पसंद आई तो आपकी मैं ठीक है थैंक यू तदाला